नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं, यहाँ सरसों का खेती हुआ है और उसमें सिंचाई की ज़रूरत है और पानी थोड़ा सा है कुआं में, तो अभी ख़त्म करने के बाद, क्योंकि अब ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं सिंचाई हो गया इसमें और इसी मोटर से किया, तो देखते हैं कुएँ का पानी शॉर्ट हो गया, पूरी तरह ख़त्म हो गया। अब हम लोग जाएँगे नीचे, देख सकते हैं आप, तो फाइनली दोस्तों हमने मछलियों का शिकार कर लिया है, बहुत सारी कैटफिश का शिकार हमने कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ी बड़ी कैटफिश आप देख सकते हैं बाल्टी में, देखिए कितनी बड़ी कैटफिश है, देख सकते हैं आप। देखिए कितनी मोटी है, कैट फिश नहीं चढ़वा आपको है, ये यहाँ के लोकल संथाल भाषा में गणे गणे देख सकते हैं आप लोग, देखिए कैट फिश। अब जाएंगे नदी, हम लोग धोएंगे ये सबको, साफ करेंगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नदी, अभी हम लोग मछलियों को साफ करेंगे, आप देख सकते हैं रेत में, और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है साफ करने में, ऊपरी परत बहुत मजबूत होती है इनकी छिलके। मछलियों को साफ करने के बाद उन्हें धोकर अच्छी तरह से पीसेस में काट लिया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ताज़ी मछलियाँ, और मतलब मीडियम साइज़ की पीसेस में उनको काट लिया गया है और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग बनाने का प्रोसेस करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।